अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखाज किचन से। तो आज बनाते हैं शिमला मिर्च का संभाड़िया। शिमला मिर्च का संभाड़िया अगर आप नहीं कहना चाहते तो इसे शिमला मिर्च का अचार कह सकते हैं। अच्छा, ये स्पेशली आप दाल वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, बट स्पेशली मैं तो इसे ना कढ़ी के साथ सर्व करती हूँ। बहुत मज़ेदार लगती है कढ़ी, जो हमारी होती है ना पकौड़े वाली, उसके साथ सर्व करती हूँ। बहुत ही अच्छा जोड़ है, तो ज़रूर बनाइएगा कढ़ी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभाड़िया आज का बनाते हैं। चलिए, ये चार छोटी साइज की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने धो के मीडियम पीसेस कर लिए हैं, बिच्चे फेंक दिए थे, और ये तकरीबन 150 ग्राम्स है। यहाँ पर आप चाहें तो फ्राई पैन लें या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और तेल डाल दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो मीडियम आंच करके ये जो शिमला मिर्च आपने साइड पर रखी है सारी डाल दीजिए। इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। अच्छे से बार बार चलाते रहिएगा। हाँ, जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो आप चाहें तो शिमला मिर्च को नितार कर साइड पर प्लेट में डालकर रख सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, चूल्हा स्लो आंच कर दिया और ये जो शिमला मिर्च है इसे सारों को किनारों पे कर दीजिए इस तरीके से, और बीच में जो तेल है वहाँ पर 3 टेबलस्पून भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया आता है वो डाल दीजिए। मैंने घर में ही किया है ये पाउडर, इसका मतलब दरदरा पीसा है मैंने, और 2 छोटे चाय के चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर। इसे बीच में ही इस तरीके से मिक्स करते जाइए 1 मिनट तक। आपको लगे थोड़ा तेल डालने जैसा तो डालिए, बेशक नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे 1 मिनट हो जाए भूनकर तो यहाँ पर डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी, 1/2 छोटे चाय का चम्मच नमक और 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे बीच में इसी तरीके से तेल के अंदर फ्राई कीजिए 1/2 मिनट तक, बस उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। इसी तरीके से बीच में फ्राई करते जाएं। अच्छा, ज़्यादा स्पाइसी हो मिर्च आपकी तो आप कम डालिएगा, और अगर आप चाहें कश्मीरी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 1 ही डाली है। अब तकरीबन 1 मिनट हो जाए तो क्विकली मिक्स कर लीजिए हमारे ये शिमला मिर्च के साथ, या फिर आपने निकाल के साइड पर रखी हो तो शिमला मिर्च इस समय डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, चूल्हा कर दीजिए उसी समय बंद, और इसे है ना उसी समय प्याले में निकाल लीजिए। अब आप इसी में रहने देंगे ना फ्राई पैन या कढ़ाई में जिसमें बनाए हैं, तो वो और पकते जाएगा और वो जल सकता है हमारा मसाला, और उस हिसाब से वो थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा और मज़ेदार नहीं लगेगा। बस थोड़ा ही 1 मिनट ही हमें मसाला बस फ्राई करना था, और उसी समय आप निकाल लीजिए इसे क्विकली प्याले के अंदर। तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा संभाड़िया। आप चाहें तो इसे शिमला मिर्च चटनी कहें या फिर शिमला मिर्च का अचार भी कह सकते हैं। याद रखें, मसाला हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, और स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार चटकदार रेसिपी। मैं तो इसे संभाड़िया कहती हूँ, और इसे ये जो कढ़ी आती है ना हमारी पकोड़े वाली, उसके साथ सर्व करती हूँ। आप चाहें तो दालों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए ये वीडियो को सबसे पहले, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।